चलिए सर रिकॉर्डिंग। हाँ लगा दी। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर सर स्क्रीन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है? मैं बेटा आज जो आज का जो डिस्कशन है वो जरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मैं आप सब बच्चों से कहूँगा, इसलिए बेटा मैंने थोड़ा रिटर्न वर्क यहाँ पर ज़्यादा रखा है, क्योंकि लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो समझाने में फिर समय कम हो जाता है। पहली बात तो बेटा स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट को मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होता कैसे है। हेलो, हाँ अब ये जो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। ये जो अरेंजमेंट है इसमें यहाँ मेटल होती है, लाइगेंड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, चारों कोनों पर चार लाइगेंड्स, ठीक है, चार कोनों पर चार लाइगेंड्स। और अब आप इसको इमेजिनेशन करिए कि ऑक्टाहेड्रल में जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट हटा दो तो D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्रिकल फिल्ड एंड रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज फॉर्म ए। ये यहां पर बेटा बच्चों का क्वेश्चन आता है कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ आज के। चलिए बेटा, मैंने बेटा शायद आपको कल के उसमें डिस्कशन करा था और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, सब बच्चों को पता होना चाहिए, यहाँ भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। हेलो, हाँ भाई, और इसमें मैंने ये भी कहा था कि ये लाइगेंड्स, ये जो अमोनिया होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, और जो वाटर है ये वीक फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। इफ लाइगेंड इज सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, यदि लाइगेंड आपका सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग है तो बेटा उसके जो ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जब वो ज़्यादा हो जाती है तो यानी कि जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ऐसे होती है बेटा, ए ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, और लिगेंड यहीं पर है, लिगेंड यहाँ पर है, लिगेंड यहाँ पर है, तो इसका रिपल्शन जो है डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है। जब इसका रिपल्शन डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा होता है तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाती है, ठीक है। और तुम्हें मैंने कल कहा था कि जो स्क्वायर प्लेनर में जो होता है, स्क्वायर प्लेनर में वहाँ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ जब हमारी जो ये डी ऑर्बिटल्स है ए, ये, और इसके अंदर भी तुम देखो कि एक्स वाई जो है उसकी एनर्जी डी जेड स्क्वायर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी जो डी जेड स्क्वायर की जो एनर्जी है, ठीक है, डी जेड कुछ केसेस में तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इससे भी नीचे आ जाती है, और कल मैंने आपको बताया भी था। फिलहाल बेटा मैं आपको यही कहूँगा मोस्ट ऑफ देम केसेस में इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, इनसे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो सबसे ऊपर आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर, ये इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आप तक समझ में आपको आ गई होगी। यदि निकल एक मिनट, अब आप ये बताओ सभी बच्चे अपनी कॉपियों पे, मैं ये नोट्स बेटा अभी आपको मैं सेंड कर दूंगा, इसलिए बेटा मैं नोट्स की चिंता ना करिए आज, आप अपनी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि यहाँ वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। यदि वीक फील्ड लाइगेंड होगा, हाँ बेटा, यदि हमारा लिगेंड वीक फील्ड होगा तो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आएगी। श्रुति मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने पर ऐसे हो जाएगी। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो खाली ऑर्बिटल है। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो आपकी खाली, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में चले जाते हैं,
और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल खाली होती है और वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, और पार्टिसिपेट करके अब जब ये डी ए ये पार्टिसिपेट करेगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोर एस फोर पी एक्स फोर पी वाई। तो यहाँ आपके पास साफ सुथरे ढंग से हम कह सकते हैं चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी और चारों का जो ओरिएंटेशन है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि निकिल जो है, एक मिनट बेटा जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निकिल के अंदर जब Ni हमने आपको पढ़ाया था, क्योंकि उस समय तो बेसिक में तरीके से मैंने पढ़ाया था, तो अब बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए ए ये कि जैसे मैं आपसे कहूँ NiCO4 है, अब जो NiCO4 होता है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, इसकी टेट्राहेड्रल क्यों, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करके ये 3d10 हो जाता है और sp3 हो जाता है। और अब देखिए, अब बेटा कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आमतौर पे हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आता है बेटा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ए इसके ऊपर आता है, ए इसके ऊपर, ये सब के सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यदि ये बनाएगा तो ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, किसमें बेटा, कॉपर प्लस 3 में, यानी कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ए ये वी हटा दो, ठीक है। लेकिन एक बच्चों का क्वेश्चन आता है सर ये जो कॉपर है, अब मेरा बेटा आपसे क्वेश्चन है कॉपर जो है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ तो DSP2 देता है, जैसे मैं आपसे पूछूं Cu NH3 होल 4 प्लस 2, ये स्क्वायर प्लेनर है, मेरी बात को जरा ध्यान देना, लेकिन CuCl4 डबल निगेटिव ये टेट्राहेड्रल है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ भी अरुणाभा क्या तुम मुझे इस बात का आंसर दे सकते हो कि कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, वहीं कॉपर CuCl4 डबल निगेटिव टेट्राहेड्रल बनाता है, क्यों? अरुणाभा, उत्कर्ष, इसमें उर्वशी, शोभित सैनी, गौरी सर, Cl जो है सर, Cl वीक फील्ड लाइगेंड है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, वीक फील्ड लाइगेंड से क्या होगा? और NH3 ठीक है, स्ट्रॉन्ग सर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग से फिल होगा, उसे कहते हैं क्या बेटा, ट्रांसफरेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, यानी कि जो हाँ इसके अंदर ट्रांसफरेंस, हाँ भाई श्रुति समझ में आ रहा है बेटा, यानी कि जब हमारा CuNH3 होल 4 बनता है तो यहाँ पर इसके अंदर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों आता है श्रुति, क्योंकि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर, वीक फील्ड में हो नहीं पाता, इसलिए डी इन्वॉल्व रहती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए टेट्राहेड्रल होता है। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन बेटा मैं अब आपसे कुछ बातें और कहना चाहता हूँ, कोबाल्ट प्लस 2 है ये बेटा, कोबाल्ट प्लस 2 D7, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के साथ Fe प्लस 2, ये बेटा वीक फील्ड के साथ Cr, ये इनके साथ ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो खैर बेटा हमारे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन ए इस दायरे से बाहर है, बिल्कुल ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ हैं, इससे बाहर क्वेश्चन है, कोबाल्ट पे, Fe पर, Cr पर बहुत रेयर क्वेश्चन है, हमारे किसी नीट में और JEE मेंस में तो नहीं है, ना ATE में अभी तक की डेट पे, लेकिन हम बच्चों को बता जरूर देते हैं कि ये इनके वीक फील्ड की प्रेजेंस में ये DSP2 शो कर सकता है, कोबाल्ट भी DSP2 शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन बेटा मैं अब कुछ बातें, ये तो खैर मैंने लिख दिया जो मुझे पता थी, तो मैंने अपने, लेकिन आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना मेरे बेटा, अब पढ़ाएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो बेटा, आपका जो लाइगेंड्स है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है और टेट्राहेड्रल तो ऐसे बनता है, ये देखो
हेलो, अरे यार एक मिनट मिला, जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ी सी डायग्राम गलत बना हुआ है। एक मिनट बाद जा इसको मैं ठीक है या एक मिनट इसको मैं थोड़ा सही कर, आपको मैं इसका विजन जो है वो सही कर देता हूँ। ये अब देखना, मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना बनाइएगा। बिल्कुल दो वी हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दो वी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर वी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपका लिगेंड यहाँ पर है, लिगेंड आपका यहाँ पर है, लिगेंड आपका यहाँ पर है, लिगेंड आपका यहाँ पर है, लेकिन हमारी जो डी ऑर्बिटल है वो कहाँ पर है बेटा? वो डी एक्स वाई में है, डी वाई जेड में है, डी जेड एक्स पे है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो बेटा मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा, वैसे तो मैंने एंगल तक बता रखा है लेकिन उसकी याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हायर हो जाता है। वैसे मेरा मन था कि मैं आपको वो एंगल सब बताऊँ। लाइगेंड जो होता है ना, देखो बेटा मैं बताता हूँ, लाइगेंड जो होता है वो ई जी ऑर्बिटल से 55 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और 2TG जो है उससे 35 डिग्री पर, जिससे क्या होगा कि इनका 2PG के साथ ज़्यादा रिपल्शन होता है। इनका जो लाइगेंड्स का जो है, देखिए एक मिनट फिर सुनिएगा, लाइगेंड्स को जब इसमें मैं अरेंज करूँगा ऑर्बिटल का, तो ये डिग्री याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करने की जरूरत है कि T2G के बहुत पास है, वहाँ रिपल्शन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू EG। मैंने यहाँ लिखा भी है, दस T2G ऑर्बिटल नियर टू दी डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स देन द ई जी ऑर्बिटल। ये द एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल इज रेज्ड एंड, हाँ बेटा, और इससे क्या होगा बेटा कि वो ज़्यादा रेज कर जाता है और उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है ये बिल्कुल ऑक्टेडल के अपोजिट होती है। एक मिनट बेटा, जहाँ जहाँ पर टेट्राहेड्रल की जो ऑक्टेडल की स्प्लिटिंग ऐसे थी T2G और EG, वहीं टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऐसे हो जाती है। एक तो इनके बीच की डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, यहाँ आ जाता है T2G और यहाँ आ जाता है EG। यहाँ आपके तीन ऑर्बिटल हो जाते हैं, यहाँ आपके दो ऑर्बिटल हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो हेलो, हाँ भी, और इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। हेलो, हाँ भाई क्या बोले इसको? हेलो हेलो। अब बेरी सेंटर में, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब मैं ऑक्टेटल बता रहा था, तो ऑक्टेटल में बेरी सेंटर से ये अपनी एनर्जी को घटा देते हैं 0.4, और ये अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं 0.6, ठीक है। बैरी सेंटर से इनकी एनर्जी टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जो आपकी टेट्राहेड्रल एनर्जी है उससे 0.4 ज़्यादा होती है, और यहाँ इनकी एनर्जी 0.6 कम होती है। बिल्कुल उल्टा, जस्ट इन्वर्टेड। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हेलो हेलो यस बेटे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं रुकूं, अदरवाइज मुझे आगे चलना है। बोलो श्रुति, अरुणाभा, कोई भी प्रॉब्लम बेटा जल्दी से बताइए, ठीक है। मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये पांच ऑर्बिटल का जो डीजनरेट ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हुआ है, ये किस तरीके से, इसकी ज़्यादा हो जाती है 0.4 और इसकी 0.6। अच्छा अब बेटा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल है इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है टेट्रा, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग का जो रिलेशन है वो ये है, ये डेल्टा टी इज इक्वल टू
4/9 इंटू ऑक्टाइडल स्प्लिट एनर्जी। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब ये है कि यदि ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी 9 जूल है तो उसी समय टेट्राहेड्रल देखें तो वो 4 जूल वैल्यू आएगी। नहीं समझ में आ रहा? हेलो, अरे भाई यदि ये वाली वैल्यू 9 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हेलो हेलो, यस सर। चलो एक मिनट, यानी कि आप ये बात से सब बच्चे सहमत हो गए हैं कि सर ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल और ये स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल, राइट? इसमें तो सब सहमत हो गए मेरी बात से या नहीं? हेलो हेलो, इनके बीच में रिलेशन भी समझ में आ गया। इनके बीच का जो रिलेशन है वो कितना है? लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये जो रिलेशन बताया है ये रिलेशन समझ में आता है कि भई ये जो डेल्टा टी होगा वो ऑक्टाहेड्रल का 4/9 होगा। इसके कम होने के पीछे के कारण क्या क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है, और स्क्वायर प्लेनर की तो सबसे ज़्यादा होती है, तो फिलहाल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच में रिलेशन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये हमारा नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन। हेलो, नीट, जेई मेन्स, आईटी एडवांस, तीनों जगह आ चुका, कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन। लेकिन आपसे यदि पूछूं, हाँ बेटा इसमें कृतज्ञ जी, बेटा मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या आइडिया है, क्या क्यों ऐसा होता है? हेलो, मतलब ऐसा क्यों होता है कि टेट्राहेड्रल की कम है? देखो उसके पीछे ये बताओ, टेट्राहेड्रल में लाइगेंड्स कितने होंगे? 4। हेलो हेलो, अरे भाई टेट्राहेड्रल में कितने लाइगेंड्स होते हैं? 4। एन आई, हाँ बेटा एन होल 4, ये आ गया 4 लाइगेंड्स। और वहीं एन आई सी एन होल 6 माइनस 4, दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें 6 लाइगेंड्स, इसमें 4, तो लाइगेंड ज़्यादा होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। एक कारण तो ये है कि इस ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होने का, और मैंने यहाँ लिखा भी है, ये देखो मैंने पहले तो आपको बता दूँ एक मिनट, क्योंकि बेटा ये आज ऐसा था कि लिखना बड़ा मुश्किल था। दी मैग्नीट्यूड, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ दी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग डेल्टा टी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कंसिडरेबली लेस देन दी ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और इसके देर आर द टू रीजन्स, इसके दो रीजन हैं। एक रीजन, पहला रीजन है नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने लिगेंड ज़्यादा होंगे रिपल्शन ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो अब देखिए, जो आपका टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स होते हैं, ये देखिए देर आर ओनली 4 लिगेंड्स इंस्टेड ऑफ 6, सो द लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3 ऑफ द साइज, ठीक है? और स्प्लिटिंग, यानी कि स्प्लिटिंग के लिए उसका 2/3 साइज ही है। हेलो, समझ में आ रहा है? 4/6 हो गया उसका, जहाँ उसके 6 पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ उसके 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा बेटा? हेलो हेलो, यस सर, क्लियर? चलिए उसके बाद दूसरा ये है, दूसरा देखिए टेट्राहेड्रल है बेटा, उसकी जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शन जो ऑर्बिटल की डायरेक्शन से काफ़ी डेविएट होती है, काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है, और बिल्कुल और ऑक्टाहेड्रल में बिल्कुल आमने सामने का रिलेशन होता है। ये देखिए, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट कंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स, दिस रिड्यूस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बाय रफली फर्दर 2/3। तो 2 बार 2/3 हो गया, एक बार तो 2/3 इफेक्ट इसलिए पड़ा कि लिगेंड की संख्या से, और एक बार डायरेक्शन की वजह से 2/3 इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 4/9 हो जाता है, तो इसलिए 4/ का रिलेशन यहाँ आता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो हेलो, ओके यस सर, हाँ बिल्कुल। अभी बेटा तुम्हें एक चीज़ और सिखानी है, अभी तो बेटा बहुत कुछ सीखने लायक है इसमें, तुम ये मतलब आप इस टॉपिक को हल्के मत लेना, हल्के से आप समझ में आपको आ रहा है ये बात जरूर होगी कि आपको समझ में आसानी से आ रहा है,
लेकिन जितना आसानी से समझ में आ रहा है उतना आसान नहीं है ये, इसके क्वेश्चन बड़े टेढ़े आते हैं, और वो क्वेश्चन अब तो खैर आपके लिए टेढ़े क्या बनेंगे, मैं तो हर चीज़ बता ही दे रहा हूँ। ये पॉइंट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था जो आपको हमेशा याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है ऑक्टेट्रल से, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, दिस इज नेवर एनर्जी, और ये इतनी कम होती है कि इसके लिए, हाँ बेटा, इसके लिए हाई स्पिन का कोई चांस ही नहीं है, तो सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला जो केस बनता है ना, लो स्पिन स्टेट, वो इसमें बनता ही नहीं। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जब भी होती है उसके अंदर लो स्पिन स्टेट नहीं होता, उसमें हमेशा हाई स्पिन स्टेट बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो है, मेरी बात क्लियर है? हेलो यस सर, ठीक है। जैसे ऑक्टा, फिर सुनो बेटा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो प्रकार की स्प्लिटिंग होती है, एक लो स्पिन स्टेट बनती है और एक हाई स्पिन। इसके अंदर केवल और केवल हाई स्पिन है क्योंकि डिफरेंस इतना कम है कि वो आसानी से वो पार कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और वो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन बनाता है। अब जैसे डी में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी? देखो यदि डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो टेट्राहेड्रल केस में ये कॉन्फिगरेशन होगी, बस इतनी बात याद करो, बाकी करो ए ये लो। हेलो, हाँ भी सुन में आ गया? हेलो, हाँ बेटा सबको समझ में आ रहा है? यस सर। और ये वाली वैल्यू बैरी सेंटर से कितनी दूर नीचे है? हेलो, ये बैरी सेंटर से कितना बेटा? 0.6 डेल्टा टी, और ये कितना बेटा? 0.4 उल्टा, बिल्कुल उल्टा आ गया जैसे एक्टाडल में था। तो यहाँ देखो, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.6 × 1 प्लस 0, तो ये आपकी, ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो, CFSE, जब दो इलेक्ट्रॉन है तो CFSE इतनी आ जाएगी, तीन आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन में जो CFSE होगी बेटा, ए ये देखो, तीन जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन की CFSE कैसे आएगी? ए ये एक दो, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन तो बेटा तुम्हें यहाँ भेजना ही है, तो ये आ गया, तो कितना आ गया? 2 × 0.6 ये आ गया, प्लस 0.4 12, 4 ये 8 आ गया। नहीं समझ में आ रहा? हेलो हेलो यस सर, ठीक है। एक मिनट बेटा, यदि तुम्हारे से कोई ये बोल दे, चलो एक मिनट इधर, मतलब ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग होती, मतलब D1 है, D3 है, D3 यदि ऑक्टाइडल में होता तो कैसा होता? D3 में क्या हो जाता है? 3 × हाँ बेटा, 3 × कितना होता है? −0.4 यानी कि 1.2। हेलो, यही तो होता D3, और इसमें कितना आ रहा है? ये आ रहा है। ऐसे ही आप D4 में निकाल लेते हैं, ऐसे ही D5 में निकालते हैं, ऐसे D6 में निकालते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आए तो मैं बताऊं। हेलो, मैंने स्पेशल बटन लिख के रखे हैं ताकि मुझे समझाने में ज़्यादा समय देना पड़े। हेलो, हाँ भाई, कृतिज्ञ, अश्मित, हेलो अश्मित, हेलो अश्मित है क्या क्लास में? अदिति, दिव्याता, कृष्णा, शोभित, ओके, हाँ भाई, पड़ोसी, वासुराज, वासुराज, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास D7, D8, ये बेटा कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे ख्याल सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, करनी या बतानी है? बोलो हेलो, यस ओके, ठीक है। तो बेटा ये बात तो मैं बार बार कहे जा रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग से ज़्यादा होती है, इसलिए बेटा ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर, और इसीलिए ऑक्टाहेड्रल जो होता है ज़्यादा कॉमन होता है टेट्राहेड्रल से। तुम्हें पता होगा 4 और 6 सबसे कॉमन होते हैं, इसलिए पहले उन्हीं को पढ़ाया था मैंने, आपको याद भी होगा। अब बताओ ये बाइंग समझ में आ गया या नहीं आया? हेलो
हेलो हेलो। ओके यस सर अब बेटा अभी अभी मैं कुछ बातें आपके साथ और करना चाहता हूँ, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब यहाँ आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फेवर्ड। अब जरा मैं यहाँ बात करूँ कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, जरा ध्यान दो बेटा। देखो बेटा एक बात सुनो, अब आप खुद सोचिएगा कि एक मिनट, एक छोटी सी बात मैं सुन लूँ। मान लो ये एक जगह है, ये टेबल है। इस टेबल के मान लो आप होटल में खाना खाने जाते हैं और ये टेबल है, और इस टेबल के ऊपर आप 6 लोग बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो पता चलता है 2 को तो सही प्रॉपर जगह ही नहीं मिलती, तो उन्हें वो वहाँ से हट जाते हैं। अब बहुत ही छोटे छोटे 6 बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे 6 बच्चे वो होटल में जाते हैं उस जगह, और वो 6 के 6 कंफर्टेबल बैठ के खाना वाना खा के यहाँ से आ जाते हैं। मेरा इशारा किधर है आप समझ गए होंगे कि लाइगेंड का साइज यदि बड़ा होता है ना, तो 6 लाइगेंड्स का एक साथ इकट्ठा रह पाना बड़ा मुश्किल है, उस समय वो 4 में बढ़ जाता है। तो वही बात मैंने आपसे कही है कि लाइगेंड्स यदि लार्ज है, आर लार्ज एंड बल्की, कोज क्राउडिंग इन दी, हाँ बेटा, कोज क्राउडिंग इन दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड लोअर दी कोऑर्डिनेशन नंबर, लोअर दी कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। जितने भी बड़े बड़े लाइगेंड्स हैं ना, जितने बड़े बड़े लाइगेंड्स हैं वो हमेशा टेट्राहेड्रल को ही फेवर देते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा बेसिकली क्या होता है कि D0 पर, D2, D5, D7, D10, इन कॉन्फ़िगरेशन पर एक रेगुलर ज्योमेट्री, यानी कि ये आमतौर पर टेट्राहेड्रल के लिए फेवरेट कंडीशंस हैं। जैसे देखो, TiCl4 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर 4, P0, यहाँ D0, यहाँ अब बेटा कितना, 8 6 छः, तो 2 वहाँ से, तो ये आ जाएगा D2। यहाँ पर ये हो गया 3, 2 और 1, हाँ बेटा D5, ये हो गया आपका 3, 2 वहाँ से, हाँ D5। यहाँ पर D7, D10। मतलब ये है कि सम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच आर रेगुलर, जिसके अंदर D0, D2, D5, ये आमतौर पे टेट्राहेड्रल को ही फेवरेबल करते हैं। यदि MnO4 का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है तो निश्चित सी बात है, तो जब हमारे डी ऑर्बिटल इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं, इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं, तो भैया फिर आपने बिना सोचे समझे इनके लिए जो टिक करना है वो SP3 टेट्राहेड्रल ही करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसके साथ जोड़ा है, इसको क्वेश्चन तो यही है, और तुमने देखे होंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए, अब व्हेन लिगेंड्स आर वीक एंड लॉस, हाँ बेटा, यदि लिगेंड्स आपके वीक हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्मिल्टिंग एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, और हमारे टेट्राहेड्रल में SFEC कम होता है और वो टेट्राहेड्रल को फेवर करता है। हमेशा वीक फील्ड लिगेंड्स टेट्राहेड्रल को फेवर करते हैं। तुमने कभी सोचा होगा कि NiCl4-2, इसका हाइब्रिडेशन SP3 क्यों है? क्योंकि वीक फील्ड लाइगेंड्स है, ठीक। और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होता है वो भी SP3 को फेवर करते हैं, 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। वेयर सेंट्रल मेटल हैज लो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां तक कोई दिक्कत? हेलो, हाँ भाई, सबको समझ में आ सर रहा है? हाँ, लो ऑक्सीडेशन, देखिए फिर सुनिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। मतलब यदि आपका टारगेट IIT एडवांस है तो इसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर सुनिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन में से एक कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि लाइगेंड का साइज बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये जो D0, D2, D5, D7, ये D10, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमेशा उसको फेवर, D7, D10, ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा उसको SP3 के लिए फेवर करते हैं। दूसरा, वीक फील्ड लाइगेंड्स बहुत फेवर करते हैं इसको,
ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी ये फेवरेबल हो जाता है। ये बेटा टेट्राहेड्रल, और इसके साथ बेटा हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अभी शीट भेजूंगा थोड़ी देर में आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ाऊंगा फैक्टर इफेक्टिंग सीएफएससी कॉम्प्लेक्स। अब इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आप शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट रुकता हूँ, बैच को रोक रहा हूँ। एक तो बेटा मैं आप सब बच्चों से कहूँगा कि आपको मैंने जो असाइनमेंट मैं भेजता हूँ बेटा, मुझे ज़बरदस्ती आप लोगों से वो होमवर्क कराना पड़ता है। अभी भी मैंने एक सुबह मॉर्निंग में कुछ बच्चों के नाम बताए थे कि सिर्फ इन बच्चों ने कंप्लीट की, बाकी बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए। उसके बाद भी वो शीट्स बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए। तो बेटा यदि आप शीट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे की शीट ड्यू हो रही है, वो दे नहीं पा रहा हूँ मैं। तो पिछली शीट तुम कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो बेटा ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि बेटा यदि आप चाहते हैं बहुत बेहतर रिजल्ट्स, तो बेटा बहुत बेहतर तरीके से असाइनमेंट भी पूरे करिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगा, हमारा रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन सेक्शन हमारा शुरू होगा, जिसमें बेटा मैं एक 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 चैप्टर पे दो दो दिन में सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा। तो यदि बेटा आप सभी बच्चे उस रिवीजन तक हम बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 3 रिवीजन में मैं हमेशा हर साल बांटता हूँ। पहला रिवीजन हमारा अगस्त और सितंबर के बीच में कभी भी लगता है, दूसरा रिवीजन मेरा जो लगेगा, दूसरा जो रिवीजन होगा वो हमारा अक्टूबर नवंबर में आएगा, तीसरा रिवीजन जो आएगा वो हमारा जनवरी में आता है, ठीक है। यदि जनवरी में एग्ज़ाम हो गया तो एग्ज़ाम के पहले लगाएंगे, नहीं तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो 3 रिवीजन हैं और 11th भी रिवाइज करानी है आपको, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि होमवर्क वगैरह आप प्रॉपर करें और स्पीड बैच की बढ़ने दें। आज भी बेटा मैंने सारा लिखा हुआ मैटर इसलिए लिखा है यहाँ पे कि हाथ से लिखने पर बहुत देर लगती है, तो मैंने कहा फटाफट ये लिखा हुआ रहेगा तो बच्चों का टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? चलिए, चलिए बेटा इसमें शायद बेटा कंप्यूटर थोड़ा सा बेटा ये हैंग हो रहा है इस समय, तो इसके हैंग होने की वजह नहीं समझ आई थी मुझे। चलिए